नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 27 फरवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लूसेंट जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, लीमा किस देश की राजधानी है? लीमा पेरू की राजधानी है। सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है। अब आज की जो क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे है? तो अब आप ध्यान से सुनेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो ये पब्लिश किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। और अब 55 देशों को रैंकिंग दी गई। 55 देशों में जो रैंकिंग दी गई इसमें पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है अमेरिका को, दूसरे स्थान पर रहा है यूके, तीसरे पर जर्मनी। बस आप शुरू के टॉप 3 कंट्री याद रखेगा। और भारत को इसमें जो रैंक प्राप्त हुई है, भारत को इसमें रैंक प्राप्त हुई है कौन सी, 43rd, 43वें नंबर पर रहा है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इस इंडेक्स में भारत को 43rd रैंक मिली है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 25 फरवरी 2022 को राज्य की कृषि निर्यात नीति यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी शुरू की है? तो ये की है महाराष्ट्र ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, महाराष्ट्र। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना को स्टार्ट किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को स्टार्ट किया। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, या फिर आप ये कह सकते हैं पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। अर्थक्वेक अलर्ट ऐप को लॉन्च करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो ये महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बालसाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से सोवी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल शुरू किया। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा, ये फैसला मतलब ये निर्णय लिया गया था। 9th पॉइंट, वन्यजीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना है। अब महाराष्ट्र की लोकेशन देखिए आप, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गुगुमल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदुबा अंदरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। अब लेक की बात करते हैं, लोनार लेक ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और वीना लेक, दोनों लेक महाराष्ट्र में हैं। डैम की बात करें, कोयना डैम जो कोयना रिवर के ऊपर है जिसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैनी डैम इसे भीमा डैम कहा जाता है क्योंकि भीमा रिवर के ऊपर है। जयकवाड़ी डैम, और देखो ये बाउंड्री देख रहे हैं आप, 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं, छठा भी लिख लीजिए, छठा कौन सा है, ये है गोवा। तो ये थी महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन। थर्ड क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करें दूसरे ऑप्शनों की। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना को स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना को स्टार्ट किया। असम की सरकार ने मैत्री योजना को स्टार्ट किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2022 में किस तारीख को
स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई गई। तो ये कब मनाई गई? 26 फरवरी को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। 12 फरवरी, 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये मनाया जाता है। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे ये मनाया जाता है। और 19 फरवरी को वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया गया, क्योंकि ये दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और 2022 में तीसरा शनिवार 19 फरवरी को पड़ा। तो फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है, 26 फरवरी। मेरा भाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। फिफ्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है, वेट लिफ्टिंग। किस IIT स्टार्टअप नैनो क्लीन ग्लोबल ने दुनिया का सबसे छोटा वेरिएबल एयर प्योरीफायर नासो 95 लॉन्च किया है? तो ये किया है IIT दिल्ली ने। सिक्स्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है, IIT दिल्ली। किसको सांख्यिकी भौतिकी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? दीपक धर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। दुर्गा शंकर मिश्रा, इनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया। आमिर सुबहानी, इनको बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया। और राकेश शर्मा को IDBI बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो सेवन्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है, दीपक धर। एट्थ क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का तीसरा संस्करण बेलगांव में शुरू हुआ? तो भारत और जापान के बीच ये स्टार्ट हुआ है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जापान। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। पेरू की बात करते हैं, पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है? कैनबेरा। और जापान की कैपिटल है? टोक्यो। तो एट्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है, जापान। नाइन्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम का आयोजन शुरू हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कर्नाटका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टेंथ क्वेश्चन, द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है अनिरुद्ध सूरी ने। टेंथ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछी गई थी। किस राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तमिलनाडु सही आंसर है। 23 फरवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया? त्रिपुरा सही आंसर है। 2022 में केंद्रीय उत्पाद दिवस कब मनाया गया? 24 फरवरी सही आंसर है। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास कोबरा वॉरियर 22 की मेजबानी करेगा? UK सही आंसर है। हाल ही में केरल स्टार्टअप मिशन ने किसके साथ समझौता किया? गूगल सही आंसर है। PM के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव सान्याल। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। खबरों में रहा, कीव शहर किस देश की राजधानी है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य के बिना में 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र को सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिया है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया? 2022 में विश्व NGO दिवस कब मनाया गया? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? छठा क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने 25 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।